के TRS कॉलेज में। मैं आपको बताऊं, 10,000 से ज़्यादा या ये कहा जाए 15,000 से ज़्यादा छात्र इस कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ पर का नज़ारा आप अपने TV स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार लोगों को रोक रहे हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं, उनको समझाइश दी जा रही है और चालान भी काटा जा रहा है। आम तौर पर इस सड़क पर हैवी वाहनों का आना जाना होता है, यहाँ पर हैवी वाहन लगातार होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कॉलेज चौराहे पर सन्नाटा, अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर कोरोना काल में 60 घंटे का जो भी लॉकडाउन किया गया है, उसका किस तरीके से यहाँ पर असर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर से आप अपने TV स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, गलियाँ सन्नाटे से भरी हुई, पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर लोगों को रोक रहे हैं, आने जाने वालों पर नज़र रख रहे हैं। उनको अगर वो ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो उनको जाने भी दिया जा रहा है, और अगर वो किसी तरीके से जा रहे हैं तो उनको चालान भी उनका काटा जा रहा है। मैं यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा। ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से किसको आप रोक रहे हैं, किसको जाने दे रहे हैं? ए, काली फिल्म रोको गाड़ी, ए, इस गाड़ी को रोको, काली फिल्म को रोको। ये बताइए किसको आप जाने दे रहे हैं, किसको आप रोक रहे हैं? ये है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, जो मास्क नहीं लगाया है, जो फालतू घूम रहे हैं उनकी गाड़ियाँ जब्त होगी, जो मास्क नहीं लगाया उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है। जैसे 4 व्हील में ज़्यादा संख्या बैठी है उनका भी चालान, मास्क नहीं पहने हैं, बसों का चालान, क्षमता से ज़्यादा बैठे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, उनका भी चालान श्रीमान जी द्वारा। साफ तौर से माना जा सकता है यहाँ पर उन सारे नियम कानूनों को पालन कराने की कोशिश की जा रही है जो आम तौर पर कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन में है। अब मैं आपको किसी और क्षेत्र पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन काफ़ी चुस्त नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ की सड़कें सन्नाटे से भरी हुई हैं, आने जाने वालों को रोका जा रहा है, उस पर सर किस तरीके की गाइडलाइन का आप पालन करा रहे हैं और उसके लिए किस तरीके के स्टेप भी आप उठा रहे हैं? शासन से जैसे आदेश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों को शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना है। उसी के तहत पर यहाँ पर संयुक्त रूप से नगर पालिक निगम के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन कर्मचारी और जिला प्रशासन कर्मचारियों के द्वारा पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। ये तो सर आमतौर से, मैं बीच में आपको रोकूंगा, आमतौर से लगातार देखा जा रहा है लॉकडाउन की वजह से, हालांकि गलियां सन्नाटे से भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अन्य दिनों में ना तो लोग मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जिसकी वजह से रीवा शहर में कल 83, उसके पहले 82 मरीज मिले। तो क्या 68 घंटे के लॉकडाउन के बाद आप लोग की सख्ती किस तरीके से होगी? नहीं, हमारी सख्ती भी चल रही है, साथ में समझाइश भी चल रही है कि हम लोग मास्क को लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लगातार जन प्रचार भी कर रहे हैं और साथ में चालानी कार्यवाही भी कर रहे हैं। ओपन जेल भी बनाई गई हर थाने में, जो भी व्यक्ति बात नहीं मान रहे हैं उनको ओपन जेल, चालानी कार्यवाही के द्वारा समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है निरंतर। और अब देखने में भी आया है कि मार्केट में भी 95% लोग मास्क लगाकर ही चल रहे हैं। सख्ती भी, समझाइश भी, जिसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है रीवा की सड़कों पर आज लॉकडाउन के दौरान। हालांकि जब लॉकडाउन नहीं रहता, आम दिनों पे यहां पर सामान्य तरीके से लोग रहते हैं, फिर भी लोग अब मास्क में नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्रशासन का कहना। हम मौजूद हैं रीवा के जय स्तंभ में, यहां का नज़ारा आप अपने TV स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से ये गलियाँ सन्नाटे से भरी हुई हैं, आम तौर पर ये गलियाँ गुलजार रहा करती हैं, यहाँ 24 घंटे यहाँ चहल पहल रहती है। बस स्टैंड का इलाका है, मैं आपको एक और रोड दिखाता हूँ जो यहाँ से पुराने बस स्टैंड की ओर जाती है। जिस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा, सारी दुकानें बंद इस बात का संकेत करती हैं कि लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल माना जा सकता है। कोरोना का असर यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 82 और 83 जिले में इतने कोरोना पेशेंट कभी नहीं मिले थे, इतने पेशेंटों का मिलना, उसके बाद सरकार का लॉकडाउन का 60 घंटे का फैसला, अपने आप में एक बड़ा सवाल ये था कि क्या लोग लापरवाही कर रहे हैं? अगर लापरवाही कर रहे हैं तो ये लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी, आंकड़े अपने आप बयान कर रहे थे जिस तरीके से कोरोना पेशेंट मिल रहे थे। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया
आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय का दृश्य देख रहे हैं। सुबह लगभग 10 बज चुके हैं। मैं आपको अब इसके बाद और शहर के अन्य हिस्सों में भी ले चलता हूं और दिखाता हूं वहां पर किस तरीके का नज़ारा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।